इंडियाज बिगेस्ट सेलिब्रेशन। अरे अंगना पघारो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल कुमाऊँ ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एडिटिंग नवरात्रि स्पेशल है, जो अब इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते बिना देरी के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक XML फाइल दे रखा हूँ, आपको उस XML फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपको XML फाइल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके पास XML फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऑडियो दे रखा हूँ, आपको उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो की लेयर को नीचे की तरफ लेके आ जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों, आपको लिरिक्स पे क्लिक करना है और आपको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको फॉन्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, जहाँ पे लिरिक्स ख़त्म होते हैं आपको वहाँ पर आ जाना है। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको मैं माता रानी की फ़ोटो दे रखा हूँ, आपको उन फोटो को बारी बारी से ऐड करना है। तो आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, अब आपको thread.com पे क्लिक करना है, कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको जहाँ पे ये बिट मार्क दिख रहा है आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और आपको दूसरी फोटो को सिलेक्ट करना है, thread.com पे क्लिक करना है, कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है और आपको एक्स्ट्रा लेयर को कट कर देना है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार से सभी फोटो को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, सभी फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको इनमें इफेक्ट को ऐड करना है। तो आपको इफेक्ट के लिए आपको मैं दो लेयर दे रखा हूँ, आपको सबसे पहले कुमाऊँ ऑफिशियल लेयर पे क्लिक करना है। अब आपको इफेक्ट में आना है, आपको thread.com पे क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, अब आपको इफेक्ट में आना है, thread.com पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपको इनको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, आपको एक फ़ोटो को छोड़ के दूसरी फ़ोटो में सेम इस इफेक्ट को ऐड कर देना है। अब दोस्तों, आपको दूसरे इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको दूसरी लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे आना है, thread.com पे क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपने जिन फोटो में इफेक्ट को ऐड नहीं किया आपको उन फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, thread.com पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपको इनको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार से सभी फोटो में इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।